देखिए, झुंझुनू में लोकल मुद्दे हैं दो तीन, उनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था 955 करोड़ रुपए पहले फेज में, 3200 करोड़ रुपए झुंझुनू के लिए और बाकी पास के डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया था। बीजेपी ने पांच साल में कुछ नहीं किया, उस पर हम काम चालू कर देंगे। आर्मी स्कूल कांग्रेस पार्टी ने दिया था, बीजेपी ने उसको चालू नहीं किया, वो काम हम पूरा करने जाएंगे करेंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी, वो भी अभी तक नहीं खोली, उसे भी कांग्रेस पार्टी खोलेगी। नेशनल हाईवे का काम शुरू हो गया था, बीजेपी ने पूरा नहीं किया। गवर्नमेंट कॉलेज बुहाना में पूरा नहीं हुआ। म्युनिसिपैलिटी बोर्ड बनना था बुहाना में, वो भी नहीं हुआ। सड़क भी नहीं बनी। मोदी जी आते हैं, वसुंधरा जी आती हैं, काम नहीं करवाते हैं। अब कांग्रेस पार्टी का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, झुंझुनू की जनता, झुंझुनू के युवाओं, आपने मोदी जी पे भरोसा किया था, वसुंधरा जी पे भरोसा किया था, उन्होंने भरोसा तोड़ा।